to my channel guys, and how are you all? And I am fine, and thank you so much for all your love and support in my last videos. And today I am back with a new video. और आज का जो वीडियो है वो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट हो रहा था और मैं बीच में भूल गई थी, इस वजह से वो सब्सक्राइबर बहुत गुस्सा भी हो गए थे और वो बोल रहे थे कि आपने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है ऐसा वैसा. तो मैंने सोचा कि चलिए आज वो वीडियो कर लेते हैं. तो आज जो वीडियो है वो है कोक स्टूडियो बेवजह सीजन 8 नबील शौकत अली. मैंने जो बोला है वो आड़ा टेढ़ा बोला है. एक्चुअल में टाइटल है सॉन्ग का कोक स्टूडियो सीजन 8 बेवजह नबील शौकत अली. ओके, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग. इसका टाइटल बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, बेवजह. तो देखते हैं इसमें आगे क्या है. और आज मेरी स्किन इतनी ऑयली क्यों दिख रही है पता नहीं. ओके, सो मेरा डॉग है जो घूम रहा है यहाँ वहाँ, तो हो सकता है बीच में आपको उसका ग्लिम्स दिख जाए, सो प्लीज़ इग्नोर. ओके, सो जस्ट लेट मी सेट माई लैपटॉप. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब. इफ़ यू लाइक माई रिएक्शन, लाइक माई वीडियोज, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइए कि मैं किस चीज़ पे रिएक्ट करूँ और कौन सी चीज़ें आपको पसंद है जो आप चाहते हैं मैं उस पे रिएक्ट करूँ. सो या दीज आर माई हेडफोन्स. ज़्यादा ना बात करते हुए, कभी कभी मैं ज़्यादा भूल जाती हूँ. एक सेकेंड ऐड है. मेरा डॉग इधर ही है, देखो. ओके, कोक स्टूडियो सीजन 8 बेवजह नबील शौकत अली स्टार्स हियर.
उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, ढूंढता गाइज मैं क्या है सॉरी क्या बोलूँ मैं, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग था, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और लास्ट में एक लाइन बहुत ही खूबसूरत लाइन जो थी कि उनसे मिलने की कोई वजह है नहीं पर ढूंढता क्यों है वजह उनसे मिलने की बेवजह। ओह माय गॉड, ऐसे 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 चुप गई बात दिल में यार। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड रीजंस टू अवॉइड समवन, मतलब आपको है नहीं कुछ उनसे मिलने मिलने का, लेकिन ये है कि यू वांट टू, सो आप फालतू के रीजंस बना लेते हैं। तो इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारा था। और बीच में भी एक लाइन आई थी कि उन नाम ले, आई डोंट नो एग्जैक्ट पर उसका ये था लिखा था जो इंग्लिश में भी था साथ में, कि नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी, कोई वजह ही नहीं थी, लेकिन पूरे मतलब उनके बारे में जिक्र होता है और पूरी बात होती है बेवजह। वाओ, आई मीन वाओ, आई एम तो हैप्पी कि मैंने ये गाना सुना। इट गेव मी अ फील गुड वाइब। मुझे एक बहुत ही मतलब जैसे अरिजीत का गाना सुनते हैं, अरिजीत सिंह का, नॉट अ सैड सॉन्ग बट यू नो लाइट वेटेड सॉन्ग, फील गुड सॉन्ग, वो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा। और वैसे ही टाइप की फीलिंग आई, खुशी, मतलब खुशी हुई मुझे सुन के, अच्छा लगा सुन के। ऐसा लग रहा था कि यू नो ऐसे ड्राइव पे जा रहे हो, मस्त हवा चल रही हो और ये वाला गाना सुने। सो या इट वॉज ब्यूटिफुल, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच माई सब्सक्राइबर जिन्हें मुझे रिकमेंड किया। फाइनली आई हैव रिएक्टेड टू इट एंड आई एम रियली हैप्पी टू रिएक्ट टू इट। आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग। एंड या इफ यू लाइक माई रिएक्शन, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड या थैंक यू सो मच, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।